दोस्तों, क्या आप अपने फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन को आधार कार्ड से यूज करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि फ़ोन पे आधार कार्ड से कैसे चलाया जाता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आपको नहीं मिला है डेबिट कार्ड, तो आप अपने आधार कार्ड से फ़ोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके पास आधार कार्ड होगा, सिर्फ अपने आधार कार्ड से आप फ़ोन पे एप्लीकेशन को चालू कर सकते हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर मिल जाएगा अनइंस्टॉल, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मिलेगा अनइंस्टॉल, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल पर आपको यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करते हैं और आप एक नया अकाउंट बनाते हैं आधार कार्ड से, तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा जब आप यहां से पहला रिचार्ज करेंगे या आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यह लिंक आपके ब्राउजर से जाकर डायरेक्ट आपके प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएगी। जैसे आपके लिंक प्ले स्टोर पर ओपन हो जाए, अब यहां से आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और अब आपका यहां पर फ़ोन पे एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो हमारे फ़ोन में यहां पर फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब यहां पर क्या करेंगे, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके आधार में और आपके बैंक में लगा हो, और अगर आपके आधार में नहीं लगा है लेकिन आपके बैंक में ज़रूर लगा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक OTP आएगा। तो अगर आपका आधार में कोई दूसरा मोबाइल नंबर लगा है तो आप OTP वहां से देखकर आप यहां पर डाल सकते हैं, लेकिन आपके बैंक में ज़रूर लिंक होना चाहिए। तो हमारा ये वाला जो मोबाइल नंबर है, हमारे बैंक में लिंक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो मेरे पास आया हुआ है, तो हम यहां पर डाल देंगे और यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपसे जो परमिशन मांगे, आपको उस पर क्लिक करके उसे अलाउ कर देना है। जैसे आप उसे अलाउ करेंगे, आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो सिर्फ आप अपने आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। जैसे हमारे पास ये हमारा आधार कार्ड है और हम सिर्फ अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो मिलेगा चेक बैंक बैलेंस, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विकल्प दिखाई देगा, ऐड बैंक अकाउंट, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बैंक की लिस्ट आ जाएगी। आपका जिस बैंक में अकाउंट हो, आपको अपना बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक में है। मैंने अपना अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में ओपन करा के रखा हुआ है। इसी तरीके से आपने अब HDFC में, ICICI में, एस में, कैनरा में, यूनियन में, PNB में, एक्सिस में, SBI, बड़ौदा, किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे पेटीएम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा कि हमारे बैंक में से हमारा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है और यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर फाइंड हो रहा है और हमारे पास एक मैसेज भी आ चुका है, तो थोड़ा सा हमें और इंतज़ार करना होगा और हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुल यहां पर लिंक हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुल लिंक हो चुका है, लेकिन यहां पर आपको सेट UPI पिन का एक विकल्प मिलेगा, क्योंकि आप जब तक अपना UPI पिन सेट नहीं करेंगे तब तक अपने बैंक से आप कहीं पर भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेट UPI पिन का विकल्प मिल रहा होगा। हमारे पास रीसेट करने का विकल्प है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने बैंक का UPI पिन बना लिया है और वो भी मैंने आधार कार्ड से। तो यहाँ पर आपको सेट UPI पिन बटन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको दो विकल्प मिल जाएंगे, एक विकल्प मिलेगा आधार कार्ड का और दूसरा मिलेगा एटीएम कार्ड। तो आपके पास एटीएम कार्ड तो है नहीं, जैसे हमारे पास ये एसबीआई का एटीएम कार्ड है और ये हमारे भाई का अकाउंट का एटीएम कार्ड है, तो हमारे पास तो एटीएम कार्ड नहीं है, हमारे यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो हम क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपना यूपीआई पिन बना लेंगे। तो आधार कार्ड के जो आपके सबसे पहले के ये आखिरी यानी कि सबसे पहले के जो 6 अंक होते हैं, जैसे इसमें है 99087, तो यही आपको सबसे पहले के 6 अंक यहाँ पर आपको फिलअप करने होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार को चूज करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर चेक किया जाएगा कि आपके आधार से लिंक है या नहीं। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा पहले के 6 डिजिट, तो यहाँ पर हमारा जो 99087 और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, हमारे आधार की तरफ से एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, यहाँ से हम राइट कर देंगे। हमारे बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, अब यहाँ से हम राइट कर देंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज आ चुका है, सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर आप जो भी अपना एक नया यूपीआई पिन बनाए वो आप यहाँ पर डाल दें और यहाँ से यहाँ पर राइट कर दें। उसके बाद वही अपना यूपीआई पिन यहाँ पर कंफर्म करें और यहाँ पर क्लिक करके राइट कर दें, आपके बैंक का यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। तो मैंने तो पहले से सेट करके रखा था, तो मैंने यहाँ पर बैक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको डन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका बैंक यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब आप कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, फोन पे से कहीं से भी आप पैसे को ले पाएंगे। पैसे को अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से अपना यूपीआई आईडी देख सकते हैं और किसी के भी साथ अपना यूपीआई आईडी शेयर करके अपना पैसा आप ले सकते हैं, या अपना मोबाइल नंबर उसे बताकर आप पैसे ले पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो भेजने के लिए यहाँ पर आपको विकल्प मिल जाते हैं, आप पैसे भेज भी पाएंगे। अब बैलेंस आपको दिखा देते हैं कैसे चेक होगा। तो आपको फिर से चेक बैलेंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका बैंक दिखाई देगा, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने यूपीआई पिन सेट किया है वो अपना यूपीआई पिन यहाँ पर डाल देंगे, के बाद राइट करेंगे। जैसे आप राइट करेंगे, अब आपका जितना बैलेंस होगा आपके बैंक अकाउंट में वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। जैसा हमारे जो बैंक में बैलेंस है 173 यानी कि 173 रुपए हैं। अब यहाँ से डन करेंगे। तो इस तरीके से आप फोन पे के अंदर अपना आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करके आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।